स्मार्ट मीटर का बिल ज़्यादा आ रहा है, भाई क्या करें। दोस्तों ध्यान से सुनना, पसंद नहीं आए तो आपको डिसलाइक का ऑप्शन है, उसे ज़रूर दबाना। नमस्कार भाइयों एवं दोस्तों, आपको मेरे चैनल टेक्निकल हेल्पिंग केशों में स्वागत है। आप जान गए हैं आज मैं किस पर बात करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये फैक्ट है कि कुछ भी पहली बार बिहार में शुरू हो तो उसे पसंद और नापसंद करने वाले दोनों मिल जाते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ श्रीमान, यह सच है कि स्मार्ट सब लोग नहीं हैं, लेकिन सब बनना चाहते हैं। तो साहब क्या गलत है बिजली विभाग एक कदम स्मार्ट बन रहा है तो। दोस्तों मैंने आपको बहुत पकाया, अब स्मार्ट मीटर पर बात करते हैं। आपका बिल 100% सही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बिल ज़्यादा आने का कारण। पहला कारण है कि पहले वाले मीटर का बकाया बिल होता है, जिसके कारण आपको लगता है कि इंस्टेंट बिल ज़्यादा आ गया, क्योंकि बकाया अगर जो आपका बिल है उसको चार्ज किया जाता है। इसके बाद दूसरा कारण है स्मार्ट मीटर लगने से पहले वाले मीटर का लास्ट रीडिंग का चार्ज होना। जब वो चार्ज होता है तब आपके स्मार्ट मीटर में वो इंस्टेंट पैसा काटा जाता है, तब आपको लगता है कि नहीं मेरा बिल तो ज़्यादा आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और मेन कारण है लोड। अगर आपने 1 किलोवाट का ले रखा है और आपके घर में 1 किलोवाट से ज़्यादा का खपत है, तो क्या होता है कि आपका फाइन के साथ आपको पैसा जो है वो ज़्यादा कटता है, तो फिर आपको लगता है कि नहीं मेरा बिल तो ज़्यादा आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और कारण है संट कैपेसिटर चार्ज, जिसे आप पीएफ भी कह सकते हैं, पावर फैक्टर जो 0.9 होना चाहिए, 0.98, 0.9, 0.97 यानी 0.9 के अंदर रहना चाहिए, इससे ज़्यादा ना इससे कम। अगर इससे ज़्यादा कम भी रहेगा तो अभी आपको फाइन लगेगा। दोस्तों इसके बारे में कुछ विशेष डिटेल्स अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आप इसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे पावर फैक्टर का आखिर ये होता क्या है। इसके अलावा आपके घर का वायरिंग पे भी डिपेंड करता है, घर के वायरिंग में अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा, कहीं दो तार सट रहा होगा, उसके कारण भी आपका जो बिल है वो ज़्यादा आता है। इसके अलावा अर्थिंग, तो अर्थिंग खासकर आप ध्यान देंगे जो पोल पे अर्थिंग रहता है उसका ही यूज करेंगे आप। आपने जो आप जो खपत कर रहे हैं स्मार्ट मीटर का वो अपडेट ना होना और एक साथ अपडेट होना, जिसके कारण आपका ज़्यादा एक साथ पैसा कट जाता है, तो आपको लगता है कि आपका ज़्यादा पैसा कट गया है। दोस्तों अगर आपका ये सब जो मैं ऊपर आपको बता चुका, इसके पहले जो भी मैं आपको बता चुका हूँ वो सब अगर सही है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका चार्ज कभी ज़्यादा नहीं आएगा। जो जेन्युइन है वही आपको आपसे लिया जाता है। आप हर महीने की 15 तारीख को बिल खुद से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बिल कैसे आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो वीडियो देख के खुद से अपना बिल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसमें हर एक रीडिंग क्या है, खपत मतलब क्या कर रहे हैं, आपका फिक्स चार्ज कितना लग रहा है, मतलब एक महीने की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाती है। वहाँ से आप बिल डाउनलोड कर लेंगे, SBPDSL के साइट आप वीडियो पर देख लेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको बिजली संबंधित कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है टेक्निकल हेल्पिंग केशव करके, या मेरा ईमेल आईडी है जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आप तक सही जानकारी पहुँचती रहे, इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएँ। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।